चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार पर तीखा हमला किया। मंत्री सारंग ने कहा, अब की जो स्वाभिमानी कांग्रेस नेहरू परिवार के चमचागिरी है वो स्वाभिमानी नहीं करेगा। इसके अलावा सारंग ने विधानसभा के बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए, कई मुद्दों को लेकर उन्हें राय रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बात सही है कि अब लगातार पॉजिटिविटी बहुत ही नीचे आ गई है और कोरोना के केसेस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिले कोरोना फ्री भी हो गए हैं, पर ये बात सही है कि हमें प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए, हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे कभी भी इस तरह का संक्रमण ना फैले। देखिए, कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई और जो भी स्वाभिमानी कांग्रेसी है अब वो नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। ये बात सही है कि नेतृत्व की काबिलियत यदि कमजोर हो, यदि नेतृत्व काबिल नहीं हो, केवल एक खानदान एक परिवार का व्यक्ति है इसलिए वो नेता बन जाए तो हश्र यही देखने को मिलता है। देखिए, ये इस देश की बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति मिट्टी का माधव नहीं बन सकता, कभी कभी भी किसी को हम बिना किसी काबिलियत के नेता नहीं बना सकते और यही हमें नेहरू परिवार में देखने को मिल रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, ना नेतृत्व क्षमता है ना ही किसी तरह के विचार है। अब देखिए, ये तो बैंकरप्सी विपक्ष की देखने को मिल रही है। हम पर बातें करते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, वित्त मंत्री जी के भाषण में उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं, उसमें हंगामा करते हैं और नेता प्रतिपक्ष खुद नदारद है। यदि नेता प्रतिपक्ष नदारद है तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना गंभीरता से विधानसभा को ले रहा है। उन्हें विधानसभा को जनता की समस्याओं को के लिए वो मंच नहीं मानते, बल्कि वो हंगामा करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मंच का उपयोग करना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में हमारी सरकार की रोड मैप तैयार करना और पुरानी हमारी सभी व्यवस्थाओं और खासकर योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, उन योजनाओं की समीक्षा और उन योजनाओं को किस ढंग से और अधिक शक्तिशाली बना के सशक्त करके हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिवसीय चिंतन बैठक रखी है पचमढ़ी में और वो 26 और 27 मार्च को होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में जनता की सेवा करे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारा रोड मैप है उस पर हम ताकत के साथ काम करें। और ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई।